नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। गाजियाबाद के लोनी भारत सिटी सोसाइटी में छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक के लिए वैक्सीनेशन कैंप का कार्यक्रम किया गया। लोनी की भारत सिटी सोसाइटी में लगभग 1 लाख की आबादी है। भारत सिटी सोसाइटी में रहने वाले सभी बच्चों के वैक्सीन का लगाने का कार्यक्रम किया गया। पूरे भारत देश में जिस तरीके से कोरोना के मरीजों में कमी आई है और प्रदेश सरकार ने भी इस बीमारी को खत्म करने के लिए तमाम उपाय निकाले, अब प्रदेश में केंद्र सरकारों ने स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया है। इसके बाद बच्चों का भी स्कूल जाना अब सुचारू रूप से शुरू हो गया। ऐसे में बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए यह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। सोसाइटी के लगभग 20 से 25 लोगों ने इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम की पहल की, जिससे कि भारत सिटी सोसाइटी में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ना पनप सके। हालांकि जितने भी बच्चे वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए भारत सिटी सोसाइटी में आ रहे थे, सभी बच्चों के चेहरे पर एक अलग उत्साह नजर आ रहा था और बच्चे यह भी बोल रहे थे कि कोरोना की जो वेव आई थी वह बड़ी खतरनाक थी और जिस तरीके से अब प्रदेश सरकार ने भी स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं, हम भी सभी बच्चे अब हर तरीके से मजबूत होकर स्कूल जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सैनी है जी। भारत सिटी में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, कितने लोगों की टीम है? देखिए, यहाँ ऐसे कार्य में हमारे पास पूरी टीम के 22 से 25 लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये कार्य करते रहते हैं बाहर, चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे वो पौधारोपण हो, चाहे वो गौ घास का मामला हो, सब में वो सब हमेशा आगे रहते हैं। ये वैक्सीनेशन कैंप शिव वर्मा जी और हमने सब पूरी टीम ने सोच के ही लगाया कि बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं और रिसेंटली हमारे बच्चे वैक्सीनेशन हो जाएं, उससे पहले हमने ये वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है। 4-5 तारीख से बच्चों को स्कूल खुल रहे हैं तो उससे पहले सारे बच्चे वैक्सीनेशन हो जाएं, तब वो स्कूल जाएं, तो भारत सिटी के बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा और भारत सिटी के रेजिडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा।